एक लखनवा दूजा मखनवा, दोनों थे किसान, खेत दोनों के समान, लेकिन मखनवा था परेशान। लखनवा की थी उपज ज्यादा, उसकी उपज थी थोड़ी कम। ओम शांति। आदर्श गांव की संकल्पना के लिए व्यक्ति का आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी है, और वो संपन्न तब होगा जब वो कर्मों की खेती पर ध्यान देगा, क्योंकि कर्म ही वो चीज़ है जो व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाएंगे। जब व्यक्ति जो है गांव के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न होगा, कृषि में वैज्ञानिक नए यांत्रिक संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, उसके पास घी दूध की नदियां बहेंगी, उसकी जो नदी है वो स्वच्छ जल से भरपूर होगी, वहाँ पर शुद्ध अन्न होगा, ताज़े फल सब्जियाँ होंगे, और सभी लोग वहाँ से निरोगी कंचन काया को प्राप्त करेंगे। हम एक ऐसे आदर्श गांव की संकल्पना करते हैं जहाँ पर योगी खेती होगी, साथ में कर्मों की भी खेती होगी, व्यक्ति का चरित्र जो होगा बहुत ऊंचे स्तर का होगा। ओम शांति। अरे वो लखनवा भाई, किए हैं मैंने लाख जतन, फिर भी तेरे जैसी फसल नहीं आई, अब तुम ही मुझे बताओ क्या है इसका राज। अरे भाई, ये सब तो शाश्वत योगी खेती का कमाल है ना। ये कौन सा फार्मिंग है भाई, इसका नाम तो हम पहली बार सुने हैं। अरे भाई मखनवा, ये तो बड़ी आसान खेती है। पहले हम भगवान की याद से बीज को शक्तिशाली बनावत हैं, फिर उन बीज को ईश्वर की याद में धरती में बोवत हैं, फिर गोबर का जीवामृत और जैविक खाद डालत हैं भाई, फिर अरे फसल को कीट से बचावे के लिए नीम और गोमूत्र का छिड़काव भी करते हैं भाई। पर सबसे इम्पोर्टेंट भाई बात ये है कि भगवान की याद में बैठ के फसल को खूब शुभकामनाएं देते हैं। पौधे भी तो प्यार मांगते हैं ना भाई की जहरीली खाद। अब तो हम भी शाश्वत योगी खेती को ही अपनाऊंगा, खर्चा कम, मेहनत भी कम, और शुद्ध मन से उपजे शुद्ध अन्न। हम भी मेडिटेशन करूंगा, हम भी अब ऐसा ही खेती करूंगा। नए युग के लिए नई खेती, ये है शाश्वत योगिक खेती।